हेलो फ्रेंड्स, अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। पहले दो दिन का खेल हो चुका है, तो मैं आपसे पहले दो दिन के खेल के बारे में भी बात करूंगा, उसका एनालाइज करूंगा और आगे इस मैच में क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो जो अब की बार ये मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने कोई अपनी टीम में चेंज नहीं किया और इंग्लैंड ने दो चेंजेस किए। डेविड मिलान को टीम में लाए हैं ये नंबर तीन पे और क्रेग ओवरटन को इन्होंने लिया मार्क वुड की जगह। और टॉस अब की बार विराट कोहली जीते और ये टॉस जीतना इनके लिए लकी साबित नहीं रहा। इंग्लैंड में काफी लंबे टाइम के बाद कोहली जीते हैं टॉस टेस्ट मैचेस में और इन्होंने पहले बैटिंग ली और जो पहले बैटिंग लेने का डिसीजन था ये बिल्कुल गलत साबित हुआ और इंडिया पहले दिन ही सिर्फ 78 रन पे ऑल आउट हो गई और ये बहुत ही खराब बैटिंग डिस्प्ले रहा इंडिया की तरफ से। और इंग्लैंड के बॉलर्स ने कमाल कर दिया, जो इनके बारे में सोचा जा रहा था जिस तरीके से ये पिछला मैच हारे थे तो सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इंग्लैंड की टीम को, पर इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई। जैसा मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि इंग्लैंड की टीम पलटवार करेगी, उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए और इंडिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मैच हारेगी, तो वैसा ही कुछ हो रहा है अब। और हम इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में डिसमिसल्स भी देखे किस तरीके से रहे, तो राहुल जैसे आउट हुए तो मैं राहुल को तो दोष नहीं दूंगा, वो बॉल इतनी बाहर नहीं थी, उस पर शॉट बनती थी, पर एंडरसन अच्छे बॉलर है, लेजेंड है, तो वो बॉल थोड़ी ओवर पिच भी थी पर बाहर की तरफ थोड़ा वो कट हुई और राहुल पीछे कैच थमा बैठे, तो हमारी इस बार ओपनिंग खराब रही। और फिर पुजारा एक बार फिर फेल रहे। पुजारा के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने एक 18 मिनट का काफी लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था पुजारा के ऊपर, जिसपे मैंने इस बात पे जोर दिया था कि पुजारा को ड्रॉप कर देना चाहिए टेस्ट टीम से, और मैं तो इस फेवर में ही था कि उनको पहले मैच से ही ड्रॉप करना चाहिए था, पर पहले तीनों मैच खिला दिए गए हैं पुजारा को और अब भी अगर ड्रॉप करते हैं कि नहीं ये तो अब देखना होगा टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली क्या डिसाइड करती है। पर पुजारा फिर से आउट हुए और कोई इतनी कोई ऐसी बॉल नहीं थी कि अनप्लेबल बॉल हो, पर उनको अच्छा खेलना चाहिए था। और फिर विराट कोहली भी अब की बार फिर से एक बार फेल रहे और यहां पर अब मैं विराट कोहली के लिए यही कहूंगा कि मैंने पहले अपनी वर्ल्ड 11 की टीम बनाई थी एक बार, ऑल टाइम टेस्ट वर्ल्ड 11 और ऑल टाइम इंडिया टेस्ट 11 भी बनाई थी, तो मैंने दोनों ही टीम्स में विराट कोहली को नहीं रखा था। तो कई हमारे इंडियन फैंस इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि किंग कोहली को नहीं लिया, वो कोहली के आगे तो किंग लगा देती है, तो खैर ये उनकी अपनी भावनाएं हैं कि हमारे इंडिया के प्लेयर है तो वो किंग है, वो बेस्ट है, पर मैंने तो उनको अपनी इंडियन 11 में भी नहीं रखा था, तो उसमें भी मैंने नंबर 5 पे वीवीएस लक्ष्मण को रखा था, क्योंकि विराट कोहली अभी काफी पीछे है कि उनको ऑल टाइम लेजेंड की गिनती में रखा जाए। वो अच्छा जरूर पहले उन्होंने बहुत किया है, पर अभी भी उन्हें करना है वो उस लेजेंड की गिनती में आने से अभी पीछे है, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इस सीरीज में और इससे पहले भी इस पूरे साल में जो उनकी टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, तो मैं तो कहूंगा कि जो इंडिया की अब प्लेइंग 11 है उसपे भी उस टीम में भी क्या विराट कोहली की जगह बनती है, इस पे भी एक सवालिया निशान है, इसका जवाब आप ही मुझे दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है तो विराट कोहली की भी जगह अब इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं बनती, पर क्योंकि वो हमारे कप्तान है तो कप्तान को तो सिलेक्टर्स ही ड्रॉप करते हैं, तो अभी तो इस सीरीज में खेलेंगे, पर कोहली को अपनी बैटिंग में कुछ करके दिखाना होगा, नहीं तो ये भी बात होगी कि क्या कप्तानी के प्रेशर की वजह से वो रन नहीं मार पा रहे टेस्ट मैचेस में, क्योंकि बहुत लंबा फेल हो रही है। और उनका ये जो सेंचुरी का सूखा है ये तो मैं कहूंगा जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर थे लेजेंड, तो वो तो जब 38 इयर्स के हुए थे तो उसके बाद उनके सेंचुरी का सूखा पड़ा था, जो 100वीं सेंचुरी के लिए उन्हें 2 साल इंतजार करना पड़ा था, पर यहाँ तो विराट कोहली के केस में तो बहुत पहले ही वो सिचुएशन आ गई है और वो इंतजार भी 2 साल से भी लंबा हो गया है, तेंदुलकर की 100वीं सेंचुरी से भी ज्यादा लंबा ये इंतजार हो गया है कि विराट कोहली की अगली सेंचुरी कब आएगी। और फिर हम देखे हमारे अजिंक्य रहाणे अच्छा खेलते नजर आ रहे थे, थोड़े कंफर्टेबल लग रहे थे, पर फिर से लंबी इनिंग नहीं खेली इन्होंने
और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिनके लिए मैं इनको क्रिटिसाइज करता हूँ कि एक मैच में अगर इन्होंने हाफ सेंचुरी मार दी है जैसे पिछले मैच में मारी थी, तो अब तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इस सीरीज में वो कोई भी और हाफ सेंचुरी ना मारे और इस हाफ सेंचुरी के बेसिस पर ही वो पूरी सीरीज भी खेल जाए। ऐसा ही थोड़ा इनके केस में रहता है, पहले तो उन्होंने अच्छे रन मारे हैं पर अब इनकी बैटिंग में वो बात नहीं रही है। और रोहित का जो डिसमिसल रहा, तो मैंने पहले रोहित को हमेशा डिफेंड किया इस सीरीज में कि ये उनका नेचुरल गेम है, पर अब की बार जो रोहित जिस तरीके से आउट हुए तो मैं कहूंगा ये रोहित की ही गलती थी, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुए, जिस तरीके से, बहुत ही अजीब तरीके से आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी और वो उस पे पुल शॉट भी खेलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अजीब ही तरीके से वो पुल शॉट भी बिल्कुल स्ट्रेट गया हाथ में फील्डर के और वो बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, तो या तो उनको छोड़ देनी चाहिए थी या अगर ऑफ स्टंप के बाहर ही वो कट शॉट खेलते उसको, चाहे हवा में खेलते, तो वो शॉट बनती थी, उस पे वैसे भी पुल शॉट बनती नहीं थी। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनकी शॉट सिलेक्शन भी इसलिए गलत हुई कि इस बार ये काफी स्लो खेले, 19 रन मारे और ये 19 रन मारने में इन्होंने 105 बॉलें खेल ली और पुजारा की कमी नहीं खेलने दी रोहित ने अपनी इनिंग से। जिस इनिंग के लिए पुजारा फेमस है वैसी ही कुछ इनिंग इस बार रोहित ने खेल के दिखाई और ये जो इतनी स्लो खेले तो उस वजह से उनके ऊपर प्रेशर आ गया था क्योंकि नेचुरली तेज खेलना इन्हें पसंद है, तो इस चक्कर में ये थोड़ा अजीब सी शॉट खेल के आउट हुए। और इंडिया का स्कोर 58 रन पे ही 5 विकेट्स हो गया था और तब हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस सोच रहे थे कि अब मेबी हमारे जैसे पंत है, जडेजा और हमारे बैट्समैन वो थोड़ा फाइट बैक करेंगे और टीम में के स्कोर में 100-125 रन जोड़ेंगे ताकि इंडिया की टीम का 150, 175 या 200 तक स्कोर आए, पर इसके बाद अब की बार ऐसा कमाल नहीं हो पाया और हमारी बाकी बैटिंग लाइनअप भी बिल्कुल ऐसे बिखर गई कि उनके हम स्कोर देखे तो लगता है कि जैसे किसी मोबाइल का ये नंबर है और पूरी टीम 78 रन पर ही आउट हो गई। ना पंत कुछ कर पाया, ना जडेजा, और हमारे बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पाए। और ये जो परफॉर्मेंस रही इंडिया की इतनी खराब बैटिंग में, तो मैं आपको बताऊं मैं इससे सरप्राइज नहीं हूं, हालांकि मैं इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया 78 रन पे आउट हो जाएगी, पर मेरे को लग रहा था कि इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हो सकता है इस बार और 150-200 तक ये इनका कोलैप्स हो सकता है, हालांकि सिर्फ 78 पे ही आउट हो गए। और इसका रीजन ये है कि मुझे इस मैच से पहले भी लग रहा था कि इंडियन टीम भी और हमारे इंडियन फैंस भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इंग्लैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था और जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि हमारी भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, हमारा मिडल ऑर्डर वीक है, नाम तो बड़े हैं पर जो इनकी परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों में तो उससे बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है, मे बी एजिंग फैक्टर है या रिफ्लेक्सेस वीक हो गए। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस कोलैप से, हमें अपने अपोनेंट को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए, खास तौर से जब वो अपने होम कंडीशंस में खेल रहा हो, और इंग्लैंड की टीम है तो इंग्लैंड की टीम इतनी कमजोर भी नहीं रही है, इंडिया के खिलाफ वो अपनी कंट्री में हमेशा अच्छा ही खेलते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, और क्योंकि इंडिया अंडर एस्टिमेट कर रही थी, हल्के में ले रही थी, तो यहाँ पे जब उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की और कैचिंग भी अच्छी की तो फिर इंडिया के पास जवाब नहीं था, एकदम से ही पता चला कि पूरा ये तो आधे दिन से भी पहले ऑल आउट ही हुए। और इंग्लैंड की हम बॉलिंग देखें तो शुरू की पहली तीनों विकेटें जेम्स एंडरसन ने निकाल दी और शुरू में ही बिल्कुल इंडिया को बैकफुट पे डाल दिया, और यहाँ पर एंडरसन ने दिखाया कि क्यों उनको लेजेंड माना जाता है, उन्होंने जो 600 टेस्ट विकेट्स लिए और पिछले मैच में तो वो इंग्लैंड को नहीं जिता पाए, पर अब की बार ही जो शुरू में ही उन्होंने जो स्पेल किया और घातक अपनी बॉलिंग से बिल्कुल शुरू में 3 विकेट निकाल दी, तो शुरू में ही बिल्कुल इंडियन बैटिंग की कमर तोड़ दी एंडरसन ने और पिछले मैच की कसर निकाल दी। और इस बार तो रॉबिन्सन ने तो खैर एक अच्छी फाइंड है ही, उन्होंने तो 2 विकेट ली, पर सैम करन को भी अब की बार बॉलिंग में 2 विकेट मिली, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। और इस मैच में जो क्रेग ओवरटन को खिलाया तो उसने इंप्रेस किया और बढ़िया 3 विकेट लेके दिखाई,
और क्रेग ओवरटन मुझे मार्क वुड से ज्यादा अच्छा बॉलर लग रहा है, क्योंकि जो ओवरटन की बॉलिंग स्टाइल है वो इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है। ओवरटन भी इनके ओली रॉबिन्सन की तरह ही अच्छी हाइट है उसकी, और बहुत तेज नहीं फेंकता है बट अच्छी लाइन लेंथ से फेंकता है, बॉल को थोड़ा सा स्विंग कराता है अंदर बाहर, थोड़ा कट कराता है, और इस वजह से ये इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं ये इंग्लिश कंडीशन में ज्यादा सफल रहते हैं। मार्क वुड थोड़ा सा बॉल को तेज फेंकता है, बॉल को पटकता है, तो ऐसे बॉलर्स थोड़ा बाउंसी विकेट्स पे, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गए या आपके ऑस्ट्रेलिया हो गई, वहां ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्रेग ओवरटन भी इनका लॉन्ग रन में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बैटिंग भी कर लेता है जैसे ओली रॉबिन्सन है, तो ये दोनों इनको अच्छे प्लेयर्स मिल गए। और फिर जो इंडिया इतनी जल्दी ऑल आउट हो गई थी, तो अब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो हम सब चाह रहे थे, इंडियन फैंस भी चाह रहे थे कि अगर इंग्लैंड को भी जल्दी आउट कर लेते, हालांकि इतने में तो आउट नहीं होती, पर अगर 200 के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट कर लेते तो एक चांस बना रहता इंडिया के लिए भी कमबैक का। पर पहले दिन जिस चीज को हम इंग्लैंड की कमजोरी समझ रहे थे, जैसे कि उनकी ओपनिंग जोड़ी, उसने कमाल करके दिखा दिया। नई ओपनिंग जोड़ी रही इस बार इंग्लैंड के पास, रोरी बाउंस और हसीब हमीद, और दोनों ने ही बहुत बढ़िया बैटिंग की और सेंचुरी की ओपनिंग पार्टनरशिप दे डाली। 120 रन इन्होंने लगभग मार दिए पहले दिन ही, और कोई विकेट इंग्लैंड की नहीं गिरी। और मैं कहूंगा ये जो पहले दिन का खेल रहा, तो गेम तो इंडिया पहले दिन ही हार गई, इतना ये वन साइडेड गेम रहा इंग्लैंड के फेवर में। और फिर अब डे टू पे भी एक यही आशा थी कि अगर इंडियन बॉलर्स थोड़ा कमाल दिखाते और इंग्लैंड बैट्समैन भी जैसे थोड़ा इनकी वीक बैटिंग लाइनअप मानी जा रही है, तो उस अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियन फैंस कि इनका फिर से कोलैप्स हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जो इन्होंने डेविड मलान को भी खिलाया तो उसने भी अब की बार अच्छा खेल के दिखाया, एक टाइम के बाद उसने कमबैक किया, 70 रन मारे। और जो टॉप थ्री इनका वीकनेस थी वो कहीं पे नजर नहीं आई, अब लग रहा है कि इंग्लैंड के पास ये जो चेंजेस इन्होंने किए, हमीद को ओपनर और डेविड मलान नंबर थ्री, तो एक बढ़िया टॉप थ्री इनको मिल गया, और ये इंडिया के लिए आगे के मैचेस में भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरीके से इनके टॉप थ्री ने परफॉर्म किया, अगर आगे भी कर गए, और जो रूट तो खैर ऐसी फॉर्म में है, जबरदस्त फॉर्म में, कि उनके लिए जो रूट नहीं, मैं तो कहूंगा डॉन जो रूट हो गए है वो, जैसे डॉन ब्रैडमैन होते थे, 100 की एवरेज उनकी रहती थी, तो इस सीरीज में तो हर मैच में ही जो रूट सेंचुरी मार रहे हैं, और तीन सेंचुरी उन्होंने मार दी है, तीन लगातार सेंचुरी मार दी है, और बहुत ही बढ़िया जो रूट ने भी इनिंग खेली। और मैं इनका देख रहा था, मैंने थोड़ा स्टैट्स चेक किए कि कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारने में रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि जब कोई प्लेयर तीन सेंचुरीज मार दे लगातार तीन मैचेस में, तो दिमाग में आता है कि अब मैं चौथी भी मार दूं और पांचवी भी मार दूं। तो खैर जो रूट अभी उस रिकॉर्ड से बहुत दूर है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है डॉन ब्रैडमैन के नाम। डॉन ब्रैडमैन ने लगातार 6 टेस्ट मैचेस में 6 सेंचुरीज मारी हुई है, तो उससे तो बहुत दूर है। पर जो रूट अगर अगले मैच में भी सेंचुरी मार देती है, तो वो अपना जो इंग्लैंड का रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर लेगी। इंग्लैंड के जो के बैरिंगटन नाम के प्लेयर है, 1960s में इन्होंने लगातार 4 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरी मारी थी, तो उस रिकॉर्ड की बराबरी जो रूट कर सकते हैं अगले मैच में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो बैरिंगटन थे इन्होंने 4 सेंचुरी 2 बार मारी है लगातार, एक बार 1961 में, तब इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में मारी थी, एक टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेला था, 3 इंडिया में, और 1967 में भी इन्होंने फिर से 4 सेंचुरी लगातार मारी, तब इंग्लैंड में ही मारी थी। तो ये भी एक काफी कमाल का रिकॉर्ड है इनके बैरिंगटन के नाम। और जो रूट के पास मौका होगा वो जरूर चाहेंगे कि अगले मैच में मैं इस रिकॉर्ड की बराबरी करके दिखाऊं। और इसके बाद फिर बैरस्टो आए, तो बैरस्टो थोड़ा खुल के खेले, सिचुएशन भी ऐसी थी वो खुल के खेल सकते थे अपने वनडे स्टाइल में, 29 रन मारे पर बहुत लंबा नहीं मार पाए। और इसके बाद बटलर और मोइन अली जल्दी आउट हुए, और बटलर के लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे इंग्लैंड ने थोड़ी समझदारी दिखाई, इन्होंने सिबली को ड्रॉप किया, क्रॉली को ड्रॉप किया है, तो ऐसे ही अब ये बटलर को भी ड्रॉप कर दे अगर अगले मैच में,
तो इनकी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी, इनकी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि बैरस्टो है इनके पास, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है बैरस्टो, तो बटलर को अगर खिलाते हैं तो बैट से कंट्रीब्यूट करना होगा, और बटलर आज की डेट में तो मुझे बटलर का वही हाल लग रहा है जो हम इंडिया के लिए कहे कि पुजारा कोहली और रहाणे का है, तो वही हाल बटलर का लग रहा है। तो इंडियन टीम तो पता नहीं अपनी गलती सुधारती है कि नहीं आगे के मैचेस में, ये हिम्मत दिखाती है पुजारा को ड्रॉप करने की, क्योंकि सबसे पहले तो नंबर पुजारा का ही रहेगा, कोहली तो कप्तान है और रहाणे की परफॉर्मेंस पुजारा से थोड़ी बेटर रही है WTC में, तो इसलिए पुजारा के ड्रॉप करने का तो नंबर बाद में आएगा। तो यहाँ बटलर की बात कर रहे थे कि बटलर थोड़ा सा वीक लिंक है उनकी बैटिंग में, और मोइन अली नहीं चल पाए, मोइन अली से इन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि वो मारेंगे, पर उसके बाद करण ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, और इनका ओली रॉबिन्सन ने और क्रेग ओवरटन, ये दोनों क्रीज पे हैं और दोनों कंफर्टेबल लग रही है, दोनों ने थोड़े बहुत रन मार लिए, और दिन का खेल खत्म होने तक, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 423 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे। इस सीरीज में भी पहली बार ये 400 रन क्रॉस हुए हैं इंग्लैंड ने किए, और इनकी लीड भी बड़ी जबरदस्त हो गई है, 345 रन की लीड हो गई है। और इंडिया की बॉलिंग देखे तो विकटें तो मिली है, शामी को 3 विकटें मिली, जडेजा को 2 मिली, पर मैं कहूंगा कि कोई भी बॉलर फिर भी इफेक्टिव नजर नहीं आया, क्योंकि जो ये विकटें मिली भी है तो उन्होंने रन इतने मार दिए, और इतनी तो विकटें फिर मिली जाती है जब इतने रन बनते हैं तो कोई ना कोई तो विकेट ले ही लेता है, तो ये कोई विकेट टेकिंग बॉल्स पे नहीं मिले। हमारी बॉलिंग मतलब इंडिया की बॉलिंग इतनी कोई इफेक्टिव नजर नहीं आई, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो एकदम से ऐसे ही लगा कि ये तो बिल्कुल फ्लैट विकेट है और बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, और हमारे इंडियंस क्यों नहीं रन मार पाए। अब यहाँ पे थोड़ा ये भी लगता है कि शायद इंडिया के पास पहली इनिंग में उतनी कंडीशन जो थी बॉलर्स को फेवर कर रही थी, थोड़ा स्विंग ज्यादा हो रही थी, पर फिर देखे टॉस तो इंडिया ही जीती थी, ये कोहली का ही डिसीजन था पहले बैटिंग करने का, और अब फिर इंडिया की जो सेकेंड इनिंग आएगी तो अगर इंडिया इसमें अच्छा मार के दिखाए, 350-400 रन इंडिया भी मार के दिखाए, तो थोड़ा इंडिया भी कह सकती है कि नहीं मे बी पहली इनिंग में हमसे गलती हो गई पहले बैटिंग करके, पर हम भी अच्छी बैटिंग करके दिखा सकते हैं। तो Day 3 पर भी देखे तो गेम तो इंडिया के हाथ से निकल चुका है, आपकी इंडिया के जीतने का तो मेरे ख्याल से मतलब मैं क्या कहूँ, 1% ही चांस मैं कहूंगा कि अगर इंडिया 500 रन मार दे दूसरी इनिंग में और फिर इंग्लैंड को ही 100 रन के अंदर ऑल आउट कर ले तो तब इंडिया जीत सकती है, क्योंकि 345 रन की उनकी लीड है और ओवरटन और रॉबिन्सन बैटिंग कर रहे हैं, ये दोनों भी बैटिंग कर लेते हैं तो 20-25 रन तो जोड़ेगी इंग्लैंड, तो 375 रन भी अगर इनकी लीड होती है तो इंडिया को भी अगर जीतना है तो कम से कम 100 रन तो आगे जाना पड़ेगा, तो 475-500 रन इंडिया मारे, जो कि मुझे तो नहीं लगता इतना मार पाएगी, क्योंकि हमारा जो मिडल ऑर्डर है नंबर 3-4-5 इन पे मुझे फेथ नहीं है इस सीरीज में। पर हम Day 3 पे देखें, एक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ऑफ कोर्स पहली इनिंग से तो बेटर बैटिंग करेगी, और रोहित शर्मा का मुझे लग रहा है कि वो टॉप स्कोरर रहेंगे सेकेंड इनिंग में भी और इंडिया की तरफ से इस मैच में भी, पहली इनिंग में भी हालांकि ज्यादा तो नहीं पर वही टॉप स्कोरर थे 19 रन मार के, और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा अब तीसरे दिन खुल के खेलेंगे, इतना कोई डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे, और मे भी इस टूर का और ओवरसीज में टेस्ट मैचेस में अपनी पहली सेंचुरी मार सकते हैं, ऐसा थोड़ा मुझे लग रहा है, तो वो हम देखते हैं। और बाकी भी हमारे जो बैट्समैन है तो मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि बाकी और लोग क्या करेंगे, पर मे बी इंडिया के पास अब एक यही है कि अगर इनिंग्स डिफीट बचा सके, इंडिया भी सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करके दिखाए, मे बी 400 रन तक मार के दिखाए, तो एक इनिंग्स डिफीट मिलने से बच जाएगी और एक रिस्पेक्टेबल लॉस रहेगी, क्योंकि अगर इंडिया सेकंड इनिंग में भी जल्दी आउट हो जाता है, मान लीजिए 150-200 पे ऑल आउट हो जाता है, फिर फेल हो जाती है हमारी बैटिंग, तो ये एक इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा, वो फिर अपने तीसरे मैच में और सीरीज में एज ए फेवरेट उतरेंगे जीतने के लिए। हालांकि स्कोर 1-1 रहेगा, पर फिर यही रहेगा कि सीरीज के वो फेवरेट्स हो जाएंगे और
एक साइकोलॉजिकली भी इंडिया के लिए कमबैक करना, वो कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि डे थ्री में क्या रहता है, डे फोर तक ये मैच जाता है कि नहीं। हो सकता है डे थ्री पर ही खत्म हो जाए अगर इंडिया अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती, पर अगर अच्छी करती है तो डे फोर तक फिर ये जाएगा। पर डे फाइव में तो मुझे तब भी ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि बारिश के भी यहाँ चांसेस नहीं है, वेदर फोरकास्ट क्लियर है। पर अगर इंडिया डे फोर तक लेके जाए तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए, आगे के मैचेस के लिए अच्छा रहेगा, सीरीज में कमबैक करने के लिए अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी कि क्या रहता है डे थ्री पे, हमारे इंडियन बैट्समैन भी क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, कुछ अच्छा स्कोर मारते हैं कि नहीं। लेट्स सी।